नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। दरअसल एमपी में लोकायुक्त की नियुक्ति से जुड़ी एक बड़ी जानकारी मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। उमंग सिंघार ने लोकायुक्त की नियुक्ति को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को जारी किया नोटिस। लोकायुक्त की नियुक्ति से जुड़ी फाइल को तलब किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति पर रोक लगाए जाने से साफ इनकार कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। लोकायुक्त की नियुक्ति से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, ये जिसमें कि उमंग सिंघार ने लोकायुक्त की नियुक्ति को चुनौती दी है और इस पूरे मामले को लेकर अब कोर्ट का जो रुख है उससे साफ जाहिर है कि उमंग सिंघार की चुनौती को यहां पर क्या परिणाम मिलने वाला है और लोकायुक्त की नियुक्ति से जुड़ी फाइल तलब की गई है। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले में जो कोर्ट की तरफ से आदेश आया है उसमें फाइल तलब की गई है, नियुक्ति से जुड़ी फाइल को तलब किया गया, जिसमें कि तथ्यों को खंगालने के बाद अगर कोर्ट को इस संबंध में कोई महत्वपूर्ण या कोई ऐसी जानकारी मिलती है जिसमें कि उमंग सिंघार की बात में दम दिखाई दे तो संभव है कि उस पर कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन फिलहाल लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर रोक लगाए जाने की बात से कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को एक नोटिस जारी किया है और इससे जुड़ी हुई फाइल तलब की है और उन फाइल्स को देखने के बाद यदि कोर्ट इस पूरे नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर संतुष्ट रहा और जो नोटिस का जवाब सरकार की तरफ से दिया जाएगा फाइल के साथ उसमें यदि कोर्ट संतुष्ट रहा तो उमंग सिंघार के द्वारा जो चुनौती दी गई है उस चुनौती का कुछ नहीं हो पाएगा। हालांकि इस पूरे मामले की स्थिति आगे क्या रहेगी ये देखने का विषय है। और सुशील पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे ताजा अपडेट के लिए। सुशील, कोर्ट के निर्देश क्या कुछ हैं और नोटिस के माध्यम से सरकार से क्या कुछ तलब किया गया, क्या है डिटेल्स अपने पास? जी देखिए, उमंग सिंघार की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई थी उस याचिका में सीधे तौर पर ये सवाल उठाए गए थे कि जो लोकायुक्त की नियुक्ति है वो नियुक्ति प्रक्रिया फिलहाल गलत है, लिहाजा इस पूरे मामले में उनकी नियुक्ति पर तत्काल रोक लगाई जाए। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में जो नियुक्ति प्रक्रिया अपनाई गई है वो तय नियमों के मुताबिक है। इससे पहले एक नाम जो है वो फिलहाल मध्य प्रदेश के जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस है उनको भेजा गया था, लेकिन उन्होंने उस नाम को वापस भेज दिया। उसके बाद जो तीन नाम सेलेक्ट किए गए जिसमें एक पहले जो नाम भेजा गया था उनका नाम शामिल था और उसके बाद उन नामों को भेजा गया, जिसके बाद वहां के जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं उन्होंने ये मामले में अपना फैसला लिया। लेकिन जो फैसला लिया गया वो गवर्नर के कंसर्न में आकर ही लिया गया और इसी आधार पर फिलहाल मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति हुई। लेकिन उमंग सिंघार का यह कहना है कि जो फिलहाल लोकायुक्त की नियुक्ति होती है उस नियुक्ति में नेता प्रतिपक्ष होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं और इस पूरे मामले में चीफ जस्टिस होते हैं, लेकिन उनसे फिलहाल नामों को लेकर कोई बड़ा डिस्कशन नहीं किया गया और एक तरफा फैसला लिया गया। लिहाजा लोकायुक्त की जो नियुक्ति होती है किसी भी राज्य में वो बहुत महत्वपूर्ण नियुक्ति होती है, संवैधानिक पहलुओं के दायरे में लोकायुक्त को शामिल किया जाता है, लिहाजा जो नियुक्ति की गई है बिना उनके कंसर्न के की गई है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में तमाम लोगों की दलीलें सुनी। कपिल सिब्बल फिलहाल उमंग सिंघार की तरफ से पेश हुए थे, उनकी दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है, दो हफ्ते में जवाब मांगा है। तीसरे हफ्ते के सोमवार या मंगलवार को इस पूरे मामले में सुनवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो फिलहाल लोकायुक्त की नियुक्ति अभी की गई है उस नियुक्ति पर किसी भी तरीके से रोक लगाने का सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ये जरूर कहा है कि लोकायुक्त की नियुक्ति से संबंधित जो ओरिजिनल फाइल है वो अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट के समक्ष रखी जाए ताकि वो इस पूरे मामले को देख सके। तमाम पक्षकार इस पूरे मामले में जो थे उनसे ये कहा गया है कि 5 पेज से ज्यादा कोई भी जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल न किया जाए और जो अगली सुनवाई होगी वो फाइनल डिस्पोजल के आधार पर होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में यह भी कहा है कि हम लार्जर स्पेक्ट पर इस पूरे मामले को देखेंगे, क्योंकि देश में कई राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति होती है, तो इस पूरे मामले को लेकर हम आगे बढ़ेंगे ताकि भविष्य में इस प्रकार की अगर आपत्तियां हो रही हैं वो ना होने पाए, क्योंकि लोकायुक्त की नियुक्ति एक महत्वपूर्ण नियुक्ति है। लेकिन कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर एक बड़ी राहत जरूर है लोकायुक्त को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नियुक्ति को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है। ऐसे में नोटिस जरूर जारी किया गया है, देखना बेहद अहम होगा कि इस नोटिस का जवाब मध्य प्रदेश सरकार के तौर पर क्या दिया जाता है, लेकिन अभी फिलहाल इस पूरे मामले की सुनवाई टाल दी गई है। बिल्कुल, एक बातें कुछ और भी स्पष्ट होना, जिसमें अभी ये बाकी है कि कितना समय दिया गया है या फिर आगे उमंग सिंघार की तरफ से इस पूरे मामले में अगर उनकी चुनौती खारिज होती है तो वो क्या कदम उठाएंगे। बहरहाल आप रहिएगा हमारे साथ और कुछ खबरों पर आपसे डिटेल लेंगे। फिलहाल बढ़ते आगे और आपको बता दें कि केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले ली है, निचली अदालत ने अपना पक्ष रखेंगे केजरीवाल, सुप्रीम कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं होगी। अभी केजरीवाल से जुड़े मामले पर केजरीवाल के वकील ने जस्टिस खन्ना को इसकी जानकारी दी। केजरीवाल के वकील कौन है आप जानते होंगे, कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि यहां अरविंद केजरीवाल के पक्ष को कोर्ट में रख रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी के माध्यम से ही उन्होंने याचिका वापस ले ली, निचली अदालत जाने का हालांकि उनका हक है। सुशील से बात करेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सुशील, ये दिल्ली में बड़ी गहमा गहमी मची हुई है, अभी केजरीवाल के लिए कोई रास्ता खुला है? हालांकि काम उन्हें बहुत सारे करने, लेकिन अभी फिलहाल जमानत लेना या गिरफ्तारी से बचना पहला प्रयास होगा उनका? जी देखिए, जमानत का तो सवाल फिलहाल इस पूरे मामले में नहीं बनता, क्योंकि सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया है, और गिरफ्तारी इसलिए हुई है क्योंकि ईडी के पास इस पूरे मामले में पुख्ता सबूत हैं। अभी फिलहाल ईडी इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल की निचली अदालत में रिमांड मांगेगी, लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल ने जो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी उस अर्जी को उन्होंने वापस ले ली है, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा कोर्ट में यह जानकारी दी गई है कि अरविंद केजरीवाल के रिमांड का मामला भी आज क्लैश कर रहा है, लिहाजा वो भविष्य में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। लेकिन अभी उस याचिका पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं बनता, और इसीलिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने अर्जी वापस ले ली है। लेकिन निचली अदालत में अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी जरूर बहस करेंगे और अपनी दलीलें वहां पर रखेंगे, ईडी की रिमांड का विरोध करेंगे, क्योंकि यह पहला प्रोडक्शन होता है। जब पहला प्रोडक्शन होता है तो जांच एजेंसी यह बताती है कि किसी भी आरोपी को जो गिरफ्तार किया गया है वो किन कारणों की वजह से गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि ईडी के पास पर्याप्त एविडेंस है अरविंद केजरीवाल को लेकर। के कविता की जब गिरफ्तारी की गई थी, यानी कि साउथ लॉबी में जब गिरफ्तारी की गई थी, तो यह बताया गया था कि 100 करोड़ रुपए बतौर घूस लिया गया है, और उन पैसे का इस्तेमाल पंजाब और गोवा के चुनाव में किया गया है, वहां के लोगों को पैसा मुहैया कराया गया है, ईडी ने जो अभी तक जांच की है। तो यह तय है कि इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को अभी फिलहाल राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन ये 2:30 बजे के आसपास अरविंद केजरीवाल को ईडी की जो टीम है वो राव जवेनु कोर्ट में पेश करेगी, और उसके बाद उनसे कोर्ट से रिमांड की मांग करेगी। रिमांड भी 10 दिन से ज्यादा नहीं मांगेगी फिलहाल ईडी, क्योंकि 14 दिन का फिलहाल समय होता है जांच एजेंसी को किसी भी आरोपी को लेकर रिमांड लेने की प्रक्रिया का। तो फिलहाल अभी 10 दिन तक रिमांड मांग सकती है ईडी, ऐसी बताई जा रही है बातें। लेकिन यह माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के पास जो फिलहाल अभी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा, लेकिन उनके तरफ से ही याचिका वापस ली गई है। तो अब निश्चित रूप से निचली अदालत में ही आज गहमा गहमी देखने को मिलेगी, लेकिन ईडी की तरफ से भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, तमाम चीजें फिलहाल शामिल की गई हैं उनके रिमांड पेपर में कि किन कारणों की वजह से। सुशील, संभव है कि ईडी तो बीते साल नवंबर से ही तैयार है, जब पहला समन भेजा गया था, और 10वां समन देने के बाद गिरफ्तारी हुई है। मैक्सिमम रिमांड की कोशिश होगी ईडी की, जबकि अरविंद केजरीवाल की मैक्सिमम छूट की कोशिश होगी, बचाव की कोशिश होगी, लेकिन वो कोशिश कितनी कामयाब होती है परवान चढ़ते हैं। सुशील, आपसे डिटेल लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और इस बीच छत्तीसगढ़ के कांकेर से बड़ी खबर, नेशनल हाईवे पर एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। दरअसल कनपुर पुल के नीचे महिला का शव मिला है, हालांकि शव की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है और पूरे मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है, और हाईवे पर महिला का शव मिलने से सनसनी है। केम नारायण हमारे सहयोगी इस वक्त ऑनलाइन पर, केम क्या शिनाख्त हो पाई? जी देखिए, आज राष्ट्रीय राजमार्ग 30 में जो खानापुर का पुल है उसके नीचे एक अज्ञात महिला का शव देखा गया है, और शव देखने के बाद जो है आसपास के जो
ग्रामीण है वो काफी दहशत में है और जो मौके पर वहां पर चरामा पुलिस पहुंच चुकी है और ये भी बताया जा रहा है कि जो शव है वो कुछ दिन पुराना है और अभी जो है पुलिस वहां पर पहुंचकर पूरी तरीके से उस क्षेत्र की शिनाख्त में जुटी हुई है कि महिला आखिर है कौन और कहां से आई है, इन सब जांच करके पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। शव में कोई चोट के निशान है या कुछ प्रथम दृष्टया क्या बता रही है पुलिस? जी देखिए, बॉडी कहीं ना कहीं जो शव है पुल के नीचे काफी दो चार दिनों से पड़ी हुई है तो कहीं ना कहीं उसमें सड़ी गली अवस्था में पाई गई है, ऐसा जो है पुलिस बता रही है। पोस्टमार्टम के बाद ही सब चीज स्पष्ट हो पाएगा। ठीक है, डिकम्पोज होना शुरू हो गई थी बॉडी, इसका मतलब दो से तीन दिन पुरानी भी है। नजर आप बनाए रखिएगा खेम नारायण, आगे अपडेट लेते रहेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। और रतलाम में दो डेड बॉडीज मिली हैं जिसमें कांडरवासा फांटे के पास दो मेल डेड बॉडीज यानी पुरुषों का शव मिला है और दोस्त की बर्थडे पार्टी में ये दोनों गए हुए थे, डिवाइडर से बाइक टकरा जाने की वजह से मौत हो जाने की आशंका यहां पर जताई जा रही है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है और हादसा है या हत्या है पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और अब बात अपहरण की साजिश की। शिवपुरी की छात्रा के अपहरण के मामले में न्यूज 18 ने पूरी साजिश का खुलासा किया। यह अपहरण नहीं बल्कि सोची समझी प्लानिंग निकली। जी हां, यह प्लान था। क्यों, कैसे यह प्लान बनाया गया और कैसे हुआ इसका खुलासा, यह तमाम सवाल आपके जहन में जरूर उठ रहे होंगे और आप जानना भी चाहते होंगे कि आखिर वजह क्या है। चलिए हम आपको बताते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट के माध्यम से। छात्रा के अपहरण का पर्दाफाश, किडनैपिंग की कहानी निकली झूठी, क्यों रची गई अपहरण की साजिश, सबसे पहले न्यूज 18 पर खुलासा। शिवपुरी की एक छात्रा के अपहरण की कहानी से पर्दा उठ गया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान पुलिस की पिछले तीन दिन से नींद और चैन गायब थी। मामला दो राज्यों का था लेकिन अब जो सच सामने आया है वो हैरान कर देने वाला है। ये कोई अपहरण नहीं था बल्कि सोची समझी पूरी प्लानिंग थी जिसका अब खुलासा हो चुका है। हम आपको परत दर परत इस अपहरण की कहानी का हर पहलू बताएंगे और बताएंगे कि कैसे इसका खुलासा हुआ और वो क्या कारण था कि एक लड़की ने रची इतनी बड़ी साजिश। छात्रा के हाथ पांव बंधे हुए फोटोज परिजनों को भेजे गए, उसके बाद एक फोन कॉल आया और 30 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई। शिवपुरी की छात्रा और कोटा में अपहरण, मामला सामने आया तो पुलिस एक्टिव हो गई। कोटा, जयपुर, बारां, शिवपुरी, इंदौर, तमाम जगह पुलिस ने दबिश दी। न्यूज 18 की टीम ने भी हर जगह दी दस्तक। सामने आया चौंकाने वाला खुलासा। सबसे पहले कोटा से खुलासे की शुरुआत हुई। परिजनों का दावा था कि छात्रा कोटा में रहकर पढ़ाई कर रही थी लेकिन पुलिस जांच में ऐसा कुछ नहीं मिला। इसके जो कहां कहां जा सकती है उस पर अनुसंधान किया जा रहा है तो अभी तक तो यही सामने आया है कि ये कोटा में कहीं किसी कोचिंग की छात्रा नहीं थी, ना ही ये कोटा में कहीं किसी पीजी या हॉस्टल में रह रही थी। कोटा में न तो छात्रा पढ़ाई कर रही थी न ही वहां रह ही रही थी, तो फिर कहां थी छात्रा और कैसे ये अपहरण की साजिश रची गई? पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया। राजस्थान की पुलिस इंदौर पहुंची, इंदौर में कई जगह दबिश दी गई, कई संदिग्धों से पूछताछ की गई।
इन्वेस्टिगेशन के लिए इंदौर पहुंची और यहां पर एक अमन नाम के शख्स की पहचान होती है। वो अमन वो है जो अभी तक जानकारी सामने आई कि उसी के रूम में उस फोटो को, उस वीडियो को बनाया गया था जो अपहरण के फोटो के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद उससे जब जानकारी सामने आती है, एक नाम आता है ब्रजेंद्र का। ब्रजेंद्र को पुलिस हिरासत में लेती है, कोटा पुलिस, इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस, उनसे पूछताछ की जाती है, फिर ब्रजेंद्र सारी जानकारी देता है। कोटा और इंदौर क्राइम ब्रांच ने मिलकर जांच शुरू की। उधर न्यूज 18 भी पुलिस के साथ साथ रही, जहां पुलिस वहां हम। कोटा पुलिस और इंदौर क्राइम ब्रांच की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जिस युवती का कोटा से अपहरण की बात की जा रही थी, उसका इंदौर कनेक्शन सामने आया है। ठीक पीछे एक मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, अगर तस्वीर में आपको नजर आएगा, ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं, ये सिमरन गर्ल्स हॉस्टल लाइब्रेरी लिखा हुआ है, हालांकि अब ये पूरी तरीके से पीजी में तब्दील हो चुका है। यहां पर रहा करता था ब्रजेंद्र, और ब्रजेंद्र था हर्षित का दोस्त। ब्रजेंद्र ने यहां पर जो लोग पीजी के केयर टेकर हैं, उन्हें ये जानकारी दी थी कि उसके भाई और बहन गांव से आए हुए हैं और जिन्हें वो अपने साथ रोकना चाहता है। सिर्फ एक दिन के लिए उसने अपने साथ रोका था। ये वही जगह है जहां अपहरण की साजिश रची गई। स्क्रिप्ट की शुरुआत यहीं से हुई। कैसे रची गई ये पूरी साजिश, संवाददाता मिथिलेश गुप्ता की पड़ताल से समझिए। वो यहीं पर रुके हुए थे और इसी कमरे में, ये जो सिमरन आप देख रहे हैं, यहीं पर पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई थी। अपहरण की जो पूरी प्लानिंग है वो यहीं तैयार की गई थी। इसी के एक कमरे में रस्सी से हाथ पांव बांधा गया और काले कपड़े से उसको मुंह को पूरी तरीके से बांधा गया था। यहीं से कोटा पुलिस ने उस रस्सी को और उस कपड़े को बरामद किया और अपने साथ ब्रजेंद्र लेके गई। कई बार वो ब्रजेंद्र को लेकर यहां पर आई, पूछताछ किया गया और यहां पे जो भी साक्ष्य मिले थे वो अपने साथ लेकर कोटा चली गई है। ब्रजेंद्र हर्षित का दोस्त है और जो इस साजिश में शामिल था, ब्रजेंद्र ही हर्षित और काव्य को सिमरन हॉस्टल में लेकर आया था। परीक्षा के बहाने हर्षित और काव्य यहीं रुके। उस टाइम में 10:30 बजे एंट्री करके आए तो आधा घंटा वो खाने खाने में लग गया था, खाना खा रहे थे। 11 बजे हो गए उस टाइम। अच्छा, जब वो यहाँ से गए थे 11 बजे और आए कितने बजे थे? यहाँ 7:30 बजे टाइम। तो क्या क्या बोल कर आई थी यहाँ पर, कितने दिन के लिए रूम चाहिए, क्या? 2 दिन के लिए, एग्जाम के लिए। बोले भैया एग्जाम है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर काव्या ने क्यों अपने ही अपहरण की साजिश रची। इसके पीछे की वजह आपको हैरान कर देगी। कहा यह जा रहा है कि काव्या विदेश जाना चाहती थी, इसलिए अपने दोस्त के साथ मिलकर काव्या ने ये साजिश रची। काव्या को पता था कि पिता ने कुछ दिन पहले ही एक जमीन बेची थी जिसके 54 लाख रुपए उन्हें मिले हैं। ऐसे में पिता से क्यों ना 30 लाख रुपए हथिया लिए जाए। बस फिर क्या था, दोस्त के साथ मिलकर अपहरण का प्लान बनाया, लेकिन उस प्लान में वो खुद ही फंस गई। अपहरण की साजिश से पर्दा उठ गया। हालांकि काव्या और हर्षित अभी भी फरार हैं, दोनों की तलाश जारी है। तो एक अपहरण की जो कहानी कोटा से शुरू हुई थी, उसका इंदौर कनेक्शन सामने आया। दो राज्य, दो मुख्यमंत्री, दो DGP और एक केंद्रीय मंत्री इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अगले साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर। शादी के लिए आपने ऐसी शर्त के बारे में शायद पहले ना सुना हो। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को कहता है कि अगर उसे शादी करनी है तो उसे किसी महिला का कत्ल करना होगा, और प्रेमिका प्रेमी की बातों में आकर उस महिला की हत्या कर देती है। ये खुलासा रोंगटे खड़े कर देने वाला है। शादी करना है तो कत्ल करो, बीवी के मर्डर का प्लान। प्रेमिका के पास डुप्लीकेट चाबी, वो घर में आई, कत्ल करके चली गई। कॉल डिटेल्स में बेवफाई का राज। मैरिज के लिए मर्डर की शर्त। 5 साल की मोहब्बत की ये वो कहानी है जब इस प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से एक शर्त रखी।
शर्त ये थी कि अगर इन दोनों को पति पत्नी बनना है यानी शादी करना है तो प्रेमिका को एक महिला का कत्ल करना होगा। ये प्रेमिका भी कत्ल के लिए हामी भरती है जो इस घर में आती है और बेसुध पड़ी इस महिला की हत्या करके घर का ताला लगाकर चली जाती है। जुर्म की दुनिया में ऐसी खूनी लव स्टोरी के बारे में अब तक आपने नहीं सुना होगा। दतिया के कोतवाली थाना इलाके के मालोटिया वाली गली में पूजा कुशवाहा की हत्या हुई थी 19 मार्च की रात। बहुत सारे इसमें वैज्ञानिक जो साक्ष्य एकत्रित किए, जो तकनीकी साक्ष्य एकत्रित किए और जब जो इसका पति है उससे पूछताछ की गई, इसका पति लगातार पुलिस को गुमराह करता रहा, पुलिस के साथ बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहा, लेकिन जब उसके हमने कॉल डिटेल वगैरह अन्य चीजें जब देखी तो उससे ज्ञात हुआ कि इसका एक महिला से लगभग 4-5 साल से संपर्क था, काफी प्रेम संबंध थे। पुलिस के हाथ अहम सुराग लगा था, वो सुराग था मोबाइल की कॉल डिटेल्स। दरअसल पूजा कुशवाहा के पति पवन ने पुलिस को बताया था कि वो ऑनलाइन दुकान चलाता है। जब घर लौटा तो उसकी पत्नी पूजा की लाश बिस्तर पर मिली और ये भी ज्ञात हुआ कि 4-5 साल पहले उसी महिला से इसकी शादी संबंध वगैरह की बात भी चली थी और तभी से ही दोनों एक दूसरे से जुड़े थे, इसी कारण उस समय बात नहीं बन पाई और इसकी शादी जो मृतिका है उससे हो गई, किंतु ये दोनों लगातार संपर्क में बने रहे, इस कारण से महिला मृतिका और उसके पति में लगातार झगड़े भी होते। तहकीकात में जो खुलासा हुआ उससे पुलिस वाले भी दंग थे, जिसका राज खुला मोबाइल नंबर ने। मृतक पूजा के पति पवन की एक नंबर पर लगातार बातें होती थी, ये नंबर था उसकी प्रेमिका यानी इसी आरोपी का। पवन ने प्रेमिका से कहा उसने पूजा के साथ मारपीट की है, वो घर जाकर पूजा का कत्ल कर दे। तो ये भी ज्ञात हुआ कि उसी दिन दिन में लगभग पति ने अपनी जो आरोपी है पत्नी की बहुत बुरी तरह से पिटाई की थी, लगभग बेसुध हालत में घर के अंदर बंद करके बाहर से ताला लगा के आ गया, और जब आगे जांच की गई तो ये भी ज्ञात हुआ कि इसने अपनी प्रेमिका को डुप्लीकेट चाबी बना के दी और उससे जब उसकी लगातार बातचीत हो रही थी और उससे कहा कि तू उसको मार देगी तभी हम तुमसे शादी कर पाएंगे, तो नहीं अन्यथा नहीं कर पाएंगे। बीवी का मर्डर आरोपी पति पवन ने प्रेमिका से कराया, प्रेमिका के पास शादीशुदा प्रेमी पवन के घर की डुप्लीकेट चाबी थी। प्रकाश षड्यंत्र रचकर वो महिला उसके घर जाती है, डुप्लीकेट चाबी से ताला खोलती है और जो बेसुध हालत में पड़ी हुई इसकी पत्नी थी जिसकी मारपीट करके जो उसके पति ने इतना ज्यादा मारा था उसका गला दबाकर हत्या कर देती। प्रेमिका से बीवी के मर्डर की ये वारदात वाकई हैरान कर देती है। दतिया में अशोक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब क्राइम 1220।